अल्लाह ताला ने उनको इल्ता किया कि जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी कौन है बताओ, तो कहने लगे कि अल्लाह बताइए। तो बोले फुला गांव में जंगल में बकरियां चराने वाली एक बुढ़िया है, जंगल में तेरी पड़ोसी है। बोले कि अल्लाह मैं मुलाकात कर सकता हूँ तुम्हें, यहाँ जाएगी मुलाकात के लिए। जब उस गांव को पहुंचे, गांव वालों से उस बुढ़िया का पता पूछा, तो लोगों ने कहा कि फिलहाल जंगल में वो बकरियां चराती है, वहां मिलेगी। अरे जब वो क्या कहते हैं बुजुर्ग उस खातून से मुलाकात के लिए जब जंगल पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए, चीखें निकल गई। दरख्त के नीचे बैठी हुई बुढ़िया वो अल्लाह की याद में मशगूल है और बकरियां अतराफ चल रहे हैं और उन बकरियों की निगरानी भेड़िए कर रहे हैं ताकि वो दूर न चले जाए। अतराफ भेड़िए खड़े हैं और बकरियां अपने अपने क्या कहते हैं जो हिस्सा है वो खां से वो खा रहे हैं और बुढ़िया इत्मीनान के साथ छाड़ के नीचे जिक्र में मशगूल है। वो बुजुर्ग गए उस बुढ़िया के करीब पहुंचे, जैसे ही वो इबादत से फारिग हुई ऐसे देख कर कहने लगी इब्राहिम यहाँ कैसे चले आए। उस बुढ़िया को पता चल गया बोले इब्राहिम तुम्हारी मेरी मुलाकात तो वहां होगी जन्नत में, यहाँ कैसे आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्हा किया कि जन्नत में पड़ोसी कौन है, तो मैंने अल्लाह ताला से क्या कहते हैं मुलाकात है कि इल्तिजा किया तो अल्लाह ने आप तक पहुंचाया। लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूँ कि आप नमाज पढ़ने में मशगूल हैं और ये बकरियां चल रही हैं और भेड़िए तो इनकी दुश्मन है, ये कैसे निगरानी चल रहे हैं। तो बुढ़िया कहने लगी फद्कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं अल्लाह की याद में मशगूल हूँ। तो खुदा इन बकरियों की हिफाजत के लिए भेड़ियों को पकड़ा सुभान अल्लाह, ताकि क्या कहते हैं उनके साथ किसी किस्म का कोई मामला ना हो, वो दूर दूर ना भागे, वो अपने निजाम और अपने पेट की आग बुझाने में मशरूफ है और मैं अपने रूठे रब को मनाने में मशरूफ। हजरत इब्राहिम बिन अज़म को भी अल्लाह ताला ने एक मरतबा इल्ता किया है, ऐ इब्राहिम तुम्हें पता है कि जन्नत के कौन पड़ोसी है, तो वो सोचने लगे हो सकता है वो भी मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में किसी मुल्क का बादशाह होगा जो अल्लाह की यादों में दर्द को ठुकराया होगा, कांच को फेंक दिया होगा, हुकूमतों को भी आगे तक छोड़ दिया होगा और अल्लाह के इश्क और मोहब्बत में सब कुछ लुटाने वाला होगा। अरे तो वो सोचने लगे कि अल्लाह कौन है वो, अल्लाह ताला ने कहा कि फलां मस्जिद में झाड़ू देने वाली खातून है जो तेरी पड़ोसी होती है। तो अल्लाह ताला से मुलाकात का है, उस खातून से मुलाकात के इब्राहिम बिन अज़म ने इजहार किया तो अल्लाह ने कहा कि जाओ फलां मस्जिद को झाड़ू दे रही है। अरे ये इब्राहिम बिन अज़म जैसे उससे मुलाकात के लिए पहुंचे वो मस्जिद के सहन में झाड़ू दे रही थी, दूर से इब्राहिम बिन अज़म को आता हुआ देखा, हाथ हिलाकर कहे कि इब्राहिम तुम्हारी मेरी मुलाकात से जन्नत में होगी तो वापिस चले। अल्लाहू अकबर, वहीं पर बड़े चीख हो गए, बोले तो मैं तो उससे मुलाकात के लिए निकला, उसको कैसे पता चल गया कि मैं उससे मुलाकात के लिए चल पड़ा। तो अल्लाह ताला जब अपनी मोहब्बत और अपनी याद किसी के दिल में डाल देते हैं तो उसके कल्ब को ऐसे रोशन कर देते हैं कि अंधेरियों के नूर की हजार के लाल पाएगा, तो रब के सर तो गज चले तो दौड़ कर वो आएगा, तेरी हर एक आरज़ू गर्व से गर्व हो जाएगा। तो बहरहाल ये महफिल आप सबके क़ुलूब की इस्लाह के लिए है। जैसे मैंने पिछले में भी एक हदीस आपको सुनाई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चलो, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चलो। तो सहाबा ने कहा कि वो जन्नत के बाग क्या है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिक्र की मजालिस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिक्र की महफिलें हैं, जाओ तो वहां खूब क्या कहते हैं अल्लाह को याद करो। तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ हदीस मर्दों के लिए नहीं, एक चीज जहन में रखो ताकि वो भी खूब चले। बद कहने जहाँ आपके खुलूब साफ होंगे वहाँ पर आपके घर की खवातीन के वो खुलूब क्या कहते हैं साफ होंगे। एतराज़ करने वाले तो